सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों, चोट लग जाने या सर्दी बुखार होने पर हम अक्सर हल्दी के दूध का सेवन करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अनेक फायदों वाली इस हल्दी दूध से कुछ नुकसान भी हमको होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अधिक हल्दी के सेवन से आपकी त्वचा रूखी खुजलीदार हो सकती है। सामान्यतया 240 से 500 मिलीग्राम हल्दी, वो भी 3 बार के प्रयोग करने की हिदायत दी जाती है। हल्दी का अधिक सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब हम आपको बताते हैं कि ज्यादा हल्दी के सेवन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे एलर्जी और गॉल ब्लैडर की। अगर आपको मसालों के सेवन से एलर्जी हो जाती है तो हल्दी का भी प्रयोग बंद कर दीजिए, ये आपकी एलर्जी को और बढ़ा सकती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाने का भी काम कर सकती है। इसके अलावा ये गैस भी बनाती है, लीवर की समस्या को दोस्तों ये बढ़ाती है। जरा देख लीजिए, जिन लोगों का लीवर बढ़ा हुआ है या फिर लीवर से संबंधित अन्य समस्याएं हैं, उन्हें हल्दी का दूध के सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद तत्व लीवर की समस्या को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद सिर में भारी दर्द हो जाए तो उसका एक कारण हल्दी भी हो सकता है। अगला है गर्भवती महिलाओं के लिए कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, जरा देख लीजिए। कई प्रेग्नेंट महिलाएं दूध में हल्दी डालकर पीती हैं, जिससे उन्हें गोरा बच्चा पैदा हो, लेकिन हल्दी गर्भाशय का संकुचन, गर्भाशय में रक्त स्राव या गर्भाशय में ऐंठन पैदा कर सकती है। वैसे तो कई केस में हल्दी कैंसर सेल से लड़ने में सहायक होती है, लेकिन दूसरे केस में ये भी देखा गया है कि ये ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ावा दे सकती है। अगला है मधुमेह रोगियों के लिए कैसे नुकसानदायक है, जरा देख लीजिए। वैसे तो मधुमेह रोगियों के लिए हल्दी अच्छी मानी जाती है, लेकिन ज्यादा हल्दी के सेवन से ब्लड शुगर काफी अधिक कम हो जाता है। अगर आपको पहले से ही एनीमिया की शिकायत है तो हल्दी का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपकी सर्जरी हुई है तो इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करना बुरा माना जाता है। हल्दी खाने से शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो जाती है, यह उनके लिए रिस्की हो सकता है जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई हो। अगला है इम्यूनिटी को घटाए, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करती है, ये उसे कमजोर बना सकती है। भोजन में अगर ज्यादा हल्दी हो तो इंसान को मतली आने की गुंजाइश होती है। अगला है इनफर्टिलिटी और गैस की समस्या, ज्यादा हल्दी खाने से पुरुषों को इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ऐसा रिसर्च में कहा गया है। ज्यादा हल्दी खाने से पेट में गैस की समस्या होती है, इससे डायरिया और कब्ज हो सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।